प्रेशर के जरिए और वायलेंस के जरिए से इन आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं जानते कि हक की आवाज को तुम कितना भी दबाने की कोशिश करोगे वो उतनी ही तेजी रफ्तार से उभर कर आएगा। इतिहास गवाह है कि हक के खिलाफ बातिल कभी नहीं जीत पाया है। ये लोग हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जो संविधान है, जो हमारी हिंदुस्तान की शान है, जो हर एक नागरिक को बराबर का हक देता है, उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ बैठे तमाम अफराद से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो इसे बदलने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये संविधान हर वक्त हमारी हिफाजत करता आया है, वक्त आ चुका है कि हम इस संविधान की हिफाजत करें। यही संविधान हमें ये आजादी देता है कि हम हमारे हक के लिए आवाज उठाएं और एहतजाज करें। मगर आज मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि इन एहतजाजों को रोका जाए, मजलूमा पर बेबुनियाद इल्जाम डाले जा रहे हैं, बहुत सी जगहों पे लोगों को मारा जा रहा है, जुल्म की इंतहा इतनी बढ़ चुकी है कि जिस पर जो लोग जुल्म का शिकार हो रहे हैं उन पर ही बहुत सारे केसेस डाले जा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? क्या इसी को इंसाफ कहा जाता है? सुनने में तो ये भी आया है कि बेंगलोर में जो लोग